नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं रौनक और आप देखना शुरू कर चुके हैं भारत इज बेस्ट। आप सब लोगों का स्वागत है। भारत इज बेस्ट का ये एपिसोड दो तरीके के लोगों के लिए है और उन्हें प्रेरित कर सकता है। पहले वो लोग जो लाइफ में कुछ मिशन बेस्ड करना चाहते हैं लेकिन उन्हें अभी पता नहीं चल रहा है कि शुरुआत कहां से की जाए और कैसे की जाए, और दूसरे हमारे किसान भाई जिन्हें कुछ इनोवेटिव करना है फार्मिंग में, खेती में कुछ अलग करना है, खेती से उन्हें ज़्यादा कमाई हो सके अगर वो कुछ करना चाहते हैं और उन्हें पता नहीं है कि कहाँ से शुरू करें, तो इस एपिसोड को ज़रूर देखिएगा। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, बुद्धि युक्तो जहातीह उभे सुकृत दृष्कृते तस्मादो गाय युजस्व योगः कर्मसु कौशलम्। कर्मों में कुशलता ही योग है। आज हम आपके सामने एक ऐसे भारतीय की स्टोरी लेकर आए हैं जिन्होंने अपनी एक्सपर्टीज स्किल्स का उपयोग करके किसानों के उत्थान के लिए बहुत काम किया है। यही सच्चा कर्म योग है, यही कर्म में कुशलता का सच्चा एग्जाम्पल भी है। उन्होंने ग्राउंड लेवल पर तकरीबन 1700 किसानों को खेती से अच्छी इनकम कैसे कमाएं उनके साथ रहकर, उनके बीच रहकर सिखाया, उन्हें आत्मनिर्भर बनाया और करीब 3000 एकड़ बंजर जमीन को हरियाली में परिवर्तित किया। वे इंटरनेशनल चीफ टेक्निकल एडवाइजर थे यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम ईरान के और कंसल्टेंट थे फार्म फॉरेस्ट्री प्रोग्राम वर्ल्ड बैंक ग्रुप के। उन्हें अपने देश के लिए कुछ करना था इसलिए वो फॉरेन में अपनी जो नौकरी थी उसे छोड़कर हिंदुस्तान वापस आ गए। इनका नाम है जितेंद्र सिन्हा और साथ में उनकी धर्मपत्नी शिवानी सिन्हा, साई सस्टेनेबल एग्रो के फाउंडर हैं। नमस्कार जितेंद्र जी, शिवानी जी, आपका स्वागत है भारत इज बेस्ट में। पहला सवाल मैं आपसे ही पूछना चाहूंगा कि सोशल एंटरप्रेन्योरशिप सुनने में तो बहुत अच्छा है और आसान लगता है, लेकिन जब आपने नौकरी छोड़कर अपने मिशन की शुरुआत की तो किन किन कठिनाइयों का आपको सामना करना पड़ा? नॉर्मली एक एंटरप्रेन्योर को जो दिक्कतें होती हैं व्यवस्था की, पैसे की, काम को किस ढंग से ऑर्गेनाइज करना, वो तो था ही, साथ साथ सोशल एंटरप्रेन्योर ये थोड़ा ज़्यादा मुश्किल था हम लोगों के लिए दो तीन कारणों से। पहला ये कि हमारे परिवार में पहले किसी ने जो है ये काम किया नहीं था, तो मैं फर्स्ट जनरेशन था जो सभी चीज़ें मुझे सीखनी थी। दूसरा, मैं सोशल एंटरप्रेन्योर, वो और भारी चीज़ें, क्योंकि जो है हमें आर्थिक के साथ साथ जो है सामाजिक और पर्यावरण दोनों पे काम करना था। मुझे उनके साथ जो है लिविंग विद डिग्निटी, तो उनके साथ एक ऐसा काम करना था जिससे उनकी आर्थिक उन्नति हो और वो जो पैसे इन्वेस्टमेंट हुए हैं वो वापस कर सके। तो ये चीज़ों को लेकर एक सोशल एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी बहुत ही कठिन और मुश्किल थी, लेकिन उनके फायदे भी हैं और ये मेरा अनुभव है। एक कहावत है ना कि नो गेन विदाउट पेन, तो हमने वो पेन सहा, उसका हमें फायदा भी मिला। तो साई का रजिस्ट्रेशन जो है सिलिकॉन वैली में भी है और वहाँ से हम लोग देश विदेश के अन्य देशों में, जैसे अफ्रीका में हम लोग घाना में, युगांडा में, साउथ अफ्रीका में काम कर रहे हैं। दूसरा सवाल शिवानी जी मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि मिशन बेस्ड काम में जो भी संघर्ष आते हैं स्त्री की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण होती है उसमें? हमारा ध्येय बहुत बड़ा था, विदेश को हम छोड़कर आ तो गए पर मेरी चिंता ये थी कि मेरी कमाई डॉलर से रुपए में आ गई। कमाई तो मेरी छोटी हो गई पर फैमिली मेरी बहुत बड़ी हो गई और उसे उन दोनों को मुझे मैनेज करना था। एक तरफ मेरी फैमिली, एक तरफ उड़ीसा के वो हजारों फार्मर, मुझे उन्हें भी देखना था और मेरे बच्चे और मेरे घर को भी देखना था। अब मुझे उसमें ही दोनों को मैनेज करना था। तो पहले तो मैंने मेरे पति के विज़न को मैंने अपना मिशन बनाया। कहते हैं ना, पत्नी का कर्तव्य होता है पति का साथ देना, स्वधर्म चारिणी जिसे कह सकते हैं, पति का सहयोग ही पत्नी का कर्तव्य होता है। थैंक यू वेरी मच शिवानी जी। जितेंद्र सिन्हा जी, मिशन BIB भारत इज बेस्ट के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, कैसे सपोर्ट करेंगे, कैसे कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे आप इस मिशन में? वास्तव में भारत इज बेस्ट मिशन रौनक जी ने अपनी जो आरंभ किया है बहुत अच्छी चीज़ है। मेरी मिसेज ने पहला एपिसोड देखा, इन्होंने मुझे फ़ोन किया, हम लोग अलग अलग जगह थे, इन्होंने कहा कि रौनक जी का आ रहा है, देखो इसे। और उसके बाद हम लोग देखते हैं, हर कमेंट हम लोग देखते हैं कि किस तरह के कमेंट आ रहे हैं, ये देख रहे हैं कि बहुत लोग जुड़ना चाह रहे हैं और हम लोग भी जो है आपके मिशन में सहयोग करने के लिए पूरी तरह से तत्पर हैं। हमारा ये कहना है कि वो किसान, वो युवा जो जोड़ने चाह रहे हैं, उनको हम लोग मेंटरशिप करेंगे, उनको हम लोग गाइडेंस करेंगे। और हमने जिस ढंग से अपने काम को आगे बढ़ाया है, मैं अपने और शिवानी अपने जो है
एक्सपीरियंस के साथ उनको हम लोग दिशा निर्देश देंगे, साथ जुड़ के काम करेंगे। आइए भारत को आत्मनिर्भर बनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। आप भारत सरकार के मिशन मिलेट से भी जुड़े हैं, प्लीज थोड़ा उसके बारे में भी बताइए। कि हमारे जो आदिवासी किसान हैं वो मांडिया या रागी या मिलेट वो लगाते हैं, और हम उनके उन्नत बीजों के लिए हमने कृषि विज्ञान केंद्र और सब में पता चला कि जो है IIMR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च भारत सरकार की संस्था है जो इस पे काम कर रही है। तो हमने उनको संपर्क किया कि हमें ये नहीं पता था कि वो मिलेट जो गरीबों का भोजन है उसका पास्ता बनता है, उसका नूडल्स बनता है, उसका कुकीज बनता है, ये जो है मुझे IIMR ने सिखाया। और आज के दिन हम लोग वो किसान, वो जो आदिवासी किसान जो वो जो मांडिया रागी जो लगा रहे हैं उसका हम लोग जो है ये प्रोडक्ट बनाकर हम लोग जो है शहरों में बेच रहे हैं, विदेशों से हमारे लिए डिमांड आ रही है। तो ये आप सोचिए कि ये जमीन से जुड़ा हुआ किसान और विदेश में सप्लाई कर रहा है। ये शायद ये चीज़ें मिलती रहती हैं जब आप काम कर रहे हैं, चीज़ें जुड़ती जाएंगी, काम आगे बढ़ता जाएगा। मैं एक अपने ग्लोबल सिटीजन से अपील करना चाहता हूँ कि वो भी इस मिशन से जुड़े। हम लोग जो वैल्यू एडेड मिलेट प्रोडक्ट जैसे मिलेट वर्मीसेली, मिलेट नूडल्स, मिलेट पास्ता, मिलेट कुकीज़, इडली डोसा का जो मिक्स होता है, ये सब हम लोग बना रहे हैं। आप आइए, जुड़िए, इनसे खरीदिए, और हम आपको गारंटी देते हैं कि ये जो है प्रीमियम प्रोडक्ट आपको एक अफोर्डेबल लोकल प्राइस पे मिलेगा, क्योंकि ये इन किसानों ने लगाया है जो कोई केमिकल नहीं डालते हैं अपने खेत में। थैंक यू वेरी मच शिवानी जी, बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र सिन्हा साहब हमसे बात करने के लिए। किसी ने कहा है कि जिसके जीवन में से अनेकों को जीवन मिले उसका जीवन ही जीवन है। आपके एग्रो फॉरेस्ट्री मॉडल साई सस्टेनेबल एग्रो से कनेक्ट पीपल, क्रिएटिंग लाइवलीहुड, कंजर्विंग नेचर, ये सारी चीज़ें सिद्ध होते हुए हम देख रहे हैं। जितेंद्र जी बहुत बहुत शुक्रिया और एक बार भारत इस बेस से जुड़ने के लिए। हमारे भारत के बहुत सारे किसानों और युवाओं के मैसेजेस हमें आते हैं, वो कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ अलग करना चाहते हैं, खेती में कुछ नया करना चाहते हैं। बस आप जैसे लोगों की मदद की आवश्यकता है, आपके साथ मिलकर हम जरूर कुछ जबरदस्त करेंगे, ये वादा है। चलते चलते तात्या टोपे की दो लाइनें कहना चाहूंगा, सियार की तरह 100 साल जीने से अच्छा है कि सिंह की तरह एक दिन जिया जाए, तभी तो भारत बेस्ट बनेगा। ये वीडियो, ये स्टोरी आपको पसंद आई हो तो और भी लोगों से शेयर करें, हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें, नमस्कार, जय हिंद, और याद रखिएगा, भारत इज बेस्ट।